Hey everyone, welcome back. क्या आपने कभी सोचा है मरने के बाद लोगों का क्या होता है? इस कहानी में हमें एक जवान लड़की को दिखाया जाता है। एक दिन एक्सीडेंटली उसकी मौत हो जाती है और इसके बाद वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पहुंच जाता है। इस फिल्म का नाम है टिल वी मीट अगेन एंड ये कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोज़ को भी देखने के लिए। कहानी की शुरुआत में हम एक जवान लड़की को बूढ़े लोगों के साथ बास्केटबॉल खेलता हुआ देखते हैं। वही बूढ़े आदमी को पुश करके बॉल को बास्केट कर देता है। ये देख बाकी सारे उस पर नाराज हो जाते हैं कि उसने एक बूढ़े आदमी को धक्का क्यों दिया। तभी अचानक मौसम बदल जाता है और तेज बारिश होने लगती है। वो सारे बूढ़े लोग एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं और वहीं से वो सामने जवान लड़की को देख रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार बिजली आकर उस लड़के पे गिरती है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। हमें उसके पास जो एक पेड़ था वो दिखाया जाता है जो पूरी तरह से जल चुका था। सामने सारे बूढ़े लोग ये देख एकदम चौंक गए थे। तभी फिर हम देखते हैं वो लड़का बिल्कुल वैसी ही हालत में एक लेडी के पास खड़ा था। वो लेडी उसे कहती है, शाओ तुम मर चुके हो। फिर यहाँ से वो उस लड़की को लेकर अपनी दुनिया में आ जाती है जहाँ पर लोगों की आत्मा को मरने के बाद लाया जाता है आफ्टर लाइफ में। ये जगह बड़ी बिखरी हुई सी थी। वहाँ पर एक कंप्यूटर और कुछ स्कैनर्स के साथ एक दूसरी लड़की बैठी थी। वो उस लड़के को मोतियों से बना एक धागा देती है। वो उसे पहन लेता है एंड फिर वो लड़की उसे स्कैन करती है ताकि वो उसके पिछले जन्म से लेकर इस जन्म तक किए उसके सारे कर्मों को देख सके। पर वहाँ कई कोशिशों के बाद भी वो ये नहीं देख पा रही थी कि उसके पास लाइफ्स कैसे थे क्योंकि बिजली गिरने के कारण शाओ अपनी याददाश्त खो बैठा था। एक दूसरा आदमी आकर उस लड़की से कहता है, इसे वेयर हाउस में भेज दो, वही इसके लिए सही रहेगा। वहाँ शाओ को एक फाइल मिलती है। उस फाइल में उसके पिछले जन्म के बारे में लिखा था कि कैसे पहले वह कैक्टस एक फिश रह चुका है और एक इंसेक्ट भी। वो लेडी बताती है एक आत्मा अपने हर जन्म में अलग अलग जीव बनकर रीइनकार्नेट होती है। अब शाओ को वो लेडी एक वीडियो दिखाती है जिसे वो आफ्टर लाइफ के बारे में समझ सके। तो सब पृथ्वी में आकर एक आत्मा अलग अलग जीव के रूप में कई सारे कर्म करती है। कुछ कर्म अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। बाद में मरने के बाद जब वो आत्मा आफ्टर लाइफ में आती है तो उसे मोतियों से बना धागा मिलता है। उस धागे में मौजूद मोतियों का कलर बताता है कि उस आत्मा ने अपने जीवन में कैसे कर्म किए थे। अच्छे कर्म का मतलब था वाइट मोती और बुरे का मतलब था ब्लैक। जिसके पास सारे वाइट मोती होते हैं उसे द ग्रेट बियॉन्ड में जाने का मौका मिलता है। लेकिन आज तक किसी भी आत्मा के सारे मोती वाइट नहीं निकले। वहीं जिसके सारे ब्लैक हो उस आत्मा को खत्म कर दिया जाता है। उसकी ना रीइनकार्नेशन होती है और ना ही आफ्टर लाइफ। शाओ के पास ब्लैक और वाइट दोनों ही मोती थे और ये देख वो लड़की उसे दो रास्ते देती है। या तो वो बाकी आत्माओं की तरह रीइनकार्नेशन के लिए चला जाए जब वो अगले जन्म में एक स्नेल बनेगा, या फिर वो उसके साथ एक दूसरी जगह चले जहाँ उसकी ज्यादा जरूरत है। वह शाओ एक आदमी को देखता है जिसके बाल बहुत ही लंबे थे और ये थोड़ा वियर्ड लग रहा था। इस आदमी को आप याद रखना। अब शाओ क्योंकि एक स्नेल बनना नहीं चाहता था इसलिए बाकी सारी आत्मा जो रीइनकार्नेट होना नहीं चाहती थी उनके साथ वो अंडरवर्ल्ड में चला जाता है। अंडरवर्ल्ड आफ्टर लाइफ का ही एक पार्ट था जहाँ पर सभी आत्माओं को गॉड्स बनने का मौका मिलेगा। अब यहाँ का शाओ अपने पास कई सारे और सोल्स को दिखता है। वहाँ पर उसे एक पिंक बाल वाली लड़की मिलती है जिसका सच में नाम था पिंक। वहाँ पर पिंक सभी लोगों के मोतियों का कलर देख रही थी। उसके खुद के ज्यादातर मोती ब्लैक थे पर बाकियों के ज्यादातर वाइट। ये देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब अंडरवर्ल्ड के दो लोग वहाँ आते हैं और उन सोल्स को बताते हैं यहाँ उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी गॉड्स ऑफ लव बनने की। जो ट्रेनिंग में फेल होंगे उन्हें तुरंत रीइनकार्नेशन के लिए भेज दिया जाएगा। गॉड्स ऑफ लव का काम होगा इनविजिबल होकर पृथ्वी में जाकर उन लोगों की मदद करने का जो लोग प्यार में अलग हो गए और अपने स्पेशल रेड धागे से वो उन्हें दोबारा प्यार करवा सकते हैं। अब यहाँ की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और वहीं दूसरी तरफ हम पृथ्वी में एक लड़की लिन को देखते हैं। वो मिरर के सामने अपना फेस वॉश कर रही थी और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उदास थी। वो अपने पेट डॉग कुरुमी के साथ डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर बताते हैं आपकी डॉग बहुत बीमार है जिस वजह से जल्दी उसकी मौत हो जाएगी और ये सुन लिन और उदास हो गई थी। फिर हमें उसकी मदद से पता चलता है लिन का कोई करीबी इस दुनिया से चला गया। तब से वो इस ट्रॉमा में है और अब कुरुमी भी इस कंडीशन में थी इससे वो बिल्कुल टूट गई है। दूसरी तरफ हमें एक ईविल स्पिरिट घोस्ट हेड को दिखाया जाता है जो बाकी आत्माओं को किसी कारण से मार दे रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो उसे कहीं पर कैद किया गया हो। जैसे ही घोस्ट हेड के किलिंग्स का सीनेगॉड्स को पता चलता है वो लोग दूसरे रियाल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमें रिवील किया जाता है जिस बड़े बालों वाले वियर्ड आदमी को हमने शुरुआत में देखा था वो और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ डेथ यमा है। और उन सीनियर गॉड्स की सारी बातें वहाँ पर सुनने लगते हैं। अब अगर फिर से अंडरवर्ल्ड पे आए तो वहाँ हमें पता चलता है इस ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए दो आत्माओं को एक कपल बनना होगा तभी वो गॉड ऑफ लव बन पाएंगे। एंड एक कपल सिर्फ यूं ही नहीं इसके लिए उन्हें सच में एक दूसरे के लिए अफेक्शन यानी प्यार को फील करना होगा। बाकी सारे सोल्स अपने ग्रुप्स फॉर्म कर लेते हैं सिवाय शाओ और पिंक के जो आपस में ही लड़ाई किए जा रहे थे। पिंक एक बहुत ही एक्सप्रेसिव लड़की थी जो अपना मजाक बनता देख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती
और शाओ उसका बार बार मजाक उड़ा रहा था, जिसके बदले पिंग भी यही करती है। तभी अंडरवर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स उन दोनों के ऊपर इविल स्पिरिट्स छोड़ देते हैं, एंड उससे बचने के लिए उन दोनों को एक साथ आना पड़ता है। एक बड़ी मेहनत के बाद वो सभी ट्रेनिंग और टेस्ट को जीत जाते हैं और आखिरकार उन्हें रेड मैजिकल धाके के साथ लिविंग वर्ल्ड में इनविजिबल बनाकर भेज दिया जाता है। यहाँ पर उन सोल्स के हर एक अच्छे कर्म के बदले उन्हें एक वाइट मोती दिया जाएगा, और जितने अच्छे कर्म वो करेंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी दोबारा एक इंसान बनकर उनकी री इनकारनेट होने की। लेकिन वहाँ पिंग सबसे पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढने जाती है, जो उससे मरने से पहले चीट करा था। ये देख वो उसे बदला लेती है। वहाँ उसकी मदर शॉ भी करता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं पिंग ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बहुत ही गजब का बदला लिया था, और इस वजह से उसका एक मोती ब्लैक हो जाता है। इस दौरान शॉ और पिंग के बीच अच्छी गहरी दोस्ती भी हो जाती है, और कहीं ना कहीं पिंक शॉ को पसंद भी करने लगी थी। लेकिन शॉ की याददाश्त अब तक वापस नहीं आई थी। उसे नहीं पता था कि वो मरने से पहले कौन था और उसकी फैमिली अब कहाँ है। इस बीच हमें 500 साल के कुछ लुटेरों की आत्मा को दिखाया जाता है। इन लुटेरों की स्पिरिट्स को घोस्ट हेड चुरा कर लाया था, और ये सभी लिविंग वर्ल्ड में आ रहे थे एक बदले के लिए, जो कि 500 साल पुराना था। अब हम देखते हैं एक दिन पिंक शॉ के साथ उसके शहर जाती है, ताकि यहाँ चीज़ों को देखते और घूमते समय उसे अपनी याददाश्त वापस मिल जाए। वो लोग कई सारे शॉप्स, स्कूल्स और जगह जगह जाते हैं, लेकिन शॉ को वहाँ पर ये सब कुछ फैमिलियर तो लग रहा था, पर पूरे तौर से कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब शाम को रास्ते से वो दोनों जब वापस आ रहे थे, तभी कुछ दूर एक डॉग सो रही थी। उसे शॉ की प्रेजेंस अचानक फील होने लगती है, अब वो घर से भागकर बाहर आ जाती है। वो डॉग और कोई नहीं बल्कि कुरुमी थी, और शॉ की आत्मा जो इनविजिबल थी, तभी कुरुमी उसे फील कर पाती है। वो उसके पास चली जाती है। शॉ कुरुमी के जैसे ही पास आता है, अचानक उसे अपनी सारी यादें दोबारा याद आ जाती हैं, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी अचानक वहाँ पीछे से लेन आती है। वो कुरुमी को लेने आई थी, लेकिन शॉ बार बार उसे ही देखे जा रहा था। हम समझ पाते हैं वो लेन को जानता था। वो उसे आवाज़ लगाता है, जोर से चिल्लाता है, लेन, लेकिन वो उसे सुन नहीं सकती थी। तभी हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा राज रिवील होता है। हम पहुंच जाते हैं फ्लैशबैक में। स्कूल में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, जिसकी क्लास में आज एक नई लड़की का ट्रांसफर हुआ था। वो लड़की लेन थी, एंड वो छोटा बच्चा था शॉ। शॉ लेन को देखते ही उसे सामने से आई लव यू कहता है, सभी के सामने। ऐसे बच्चे कहाँ देखने मिलते हैं, एंड ये देख सभी उस पर हंस रहे थे। और लेन ऑन द स्पॉट उसे रिजेक्ट कर देती है, पर फिर एग्जाम से लेकर बड़े होने तक हमेशा शॉ लेन के साथ ही था, उसका बेस्ट फ्रेंड बनकर। यही नहीं, कॉलेज तक दोनों हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन फिर शॉ की मौत हो जाती है। यहाँ से कहानी फिर प्रेजेंट में आ जाती है। हम समझ चुके थे कि लेन दरअसल शॉ की गर्लफ्रेंड थी, और जिस करीबी के मरने की वजह से लेन इतने दिनों से दुखी थी, वो शॉ ही था। उस दिन जब शॉ बास्केटबॉल खेल रहा था उन बूढ़े लोगों के साथ, तो सामने लेन और कुरुमी भी थी। उसी दिन लेन ने शॉ का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, लेकिन अचानक बिजली गिरने से शॉ मर जाता है, और लेन को भी वो बिजली आकर लग जाती है, क्योंकि वो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसके फ्यूनरल को हुए आज ऑलमोस्ट एक साल हो गया था, तब भी हर रोज लेन उसे याद करती थी। सिर्फ वही नहीं, उसकी डॉग कुरुमी भी। लेकिन आज जब शॉ उसके बिल्कुल सामने है, तब भी वो उसे देख नहीं सकती। अपनी याददाश्त वापस मिलते शॉ बिल्कुल पागल सा हो गया था। वो पिंक को आगे की कहानी सुनाता है कि क्या कभी शॉ लेन एक दूसरे को डेट किए भी थे। हम देखते हैं शॉ लड़कियों के बीच बहुत ही पॉपुलर था, लेकिन वो तब भी हमेशा से लेन को ही पसंद करता था, पर कभी उसकी बात नहीं बनती। शॉ कहता है, जब तुम 30 साल की हो जाओगी और कोई तुम्हें ना मिले, तब क्या तुम उसे शादी करना पसंद करोगी? वो कहती नहीं। जिस पे वो कहता है, 32 की उम्र पे? वो कहती तब भी नहीं। वो कहता है, 34 की उम्र पे? तब भी वो मना करी थी। जिस पे शॉ कहता है, जब तुम 60 ईयर्स की हो जाओगी, तुम बूढ़ी हो जाओगी, तब क्या तुम उसे शादी करना चाहोगी? इस बात पे वो दोनों हंसने लगते हैं। लेन कई महीनों तक उसकी बात नहीं मानती, लेकिन फिर एक दिन वो खुद उसे प्रपोज करने के लिए तैयार थी। लेकिन प्रपोजल के बारे में सोचकर ही वो डर भी जा रही थी। प्रेजेंट में हम देखते हैं शॉ और पिंक लेन के घर जाते हैं। वो उसे देख नहीं सकती थी, पर इसके बावजूद शॉ बार बार कोशिश कर रहा था लेन को अपनी प्रेजेंस फील करवाने की। वो जब फेस वॉश कर रही थी, वो पीछे से आवाज़ निकाल कर उसे डराने की कोशिश करता है, ताकि लेन चौंक जाए और उसे पहचान ले। वो मिरर के सामने जाता है और बहुत सी चीज़ें करता है, एंड ये सब चीज़ें वो पहले किया करता था जब वो दोनों साथ थे। पर आज इन सभी चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो उसे देख ही नहीं सकती थी। वो उसे फॉलो भी करता है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी दौरान वो उन बूढ़े लोगों को भी देखते हैं जो अक्सर लेन से मिलने आते थे। उन्हें भी बुरा लगता था लेन को इस हालत में देखकर। वो अब तक शॉ के जाने के दुख से उभरी नहीं थी। इस बीच हम गौर करते हैं पिंक को, जिसे जेलस फील हो रहा था लेन से। जैसे इस दौरान वो शॉ को बहुत पसंद करने लगी थी, लेकिन शॉ की याददाश्त वापस आते ही वो लेन पे ज़्यादा ध्यान देने लगता है और पिंक को बिल्कुल भूल जाता है। लेकिन पिंक इन सब के बावजूद शॉ की खुशी के लिए सारे गॉड ऑफ लव को बुला लाती है, ताकि वो लोग लेन पे अपने अपने रेड धागे से जादू चला सकें और लेन शॉ को देख और सुन पाए। पर उनकी सारी कोशिश फेल हो जाते हैं, और शॉ उन पर गुस्से से चिल्ला बैठता है कि मैंने जब मदद मांगी ही नहीं, तो आप मदद कर क्यों रहे हो? वो कहता है, इसे लेन को तकलीफ पहुंच रही होगी। तभी हम देखते हैं पिंक ने फाइनली रेड धागे से
लिन को बांध दिया था। लेकिन तभी हम गौर करते हैं लिन अपना हाथ ऊपर उठाती है और रिवील करती है कितने वक्त से वो उन सबको देख और सुन पा रही थी। एंड वहाँ हमारे सामने इस कहानी का प्लॉट ट्विस्ट रिवील होता है। जब बिजली शॉक के ऊपर गिरी थी तब लिन उसके एकदम पास खड़ी थी, इसलिए कुछ बिजली का सर उस पर भी हुआ। तब से वो अपने आसपास के स्पिरिट्स को देख पा रही है। शॉक के मरने के बाद जब वो आफ्टर लाइफ में चला गया तब लिन यहाँ आईने में अक्सर दूसरे स्पिरिट्स को देख पाती थी। इसी का इलाज पता करने वो शमन के पास भी जाती है। वो शमन कहती है इसका कोई इलाज नहीं, इसलिए तुम अब से शो करना कि तुम स्पिरिट्स को नहीं देख सकती वरना शायद ये शक्ति तुमसे छिन जाए। हमें दिखाया जाता है पहला सीन जब शॉक कुरुमी और लिन को देख रो रहा था। तब वहाँ पर लिन भी उसे देख पा रही थी, वो उसे मिरर में भी देख सकती थी लेकिन वो उसे बात नहीं करती, बस पीछे मुड़कर रोते हुए चली जाती है अपने आंसुओं को छुपाकर। वो खुद को बहुत कंट्रोल करती है क्योंकि अगर वो उसे बात करने गई एंड बात करते हुए ये शक्ति उसने खो दी तब वो उसे देखने का अवसर भी खो देगी जब वो बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन आज जब सारे गॉड्स ऑफ लव ने अपनी सारी कोशिशें कर ली थी एंड आज के बाद शायद वो यहाँ से चले भी जाते तो लिन फाइनली सामने से आकर कहती है शाओ क्या हम कभी साथ रह भी पाएंगे। वो ये देख अपनी खुशी बयान नहीं कर पाता, बस उसके पास आकर उसके गले लग जाता है। एंड तभी वहाँ पर उनकी डॉग कुरुमी भी आ जाती है। इसके बाद उनके बीच कई सारे बहुत ही प्यारे मोमेंट्स होते हैं जिसे देख पिंक बहुत जेलस थी। एक दिन अंडरवर्ल्ड में शाओ पिंक को उदास देख कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। वो कहती है क्या, वो कहता है तुम्हें डर लग रहा है ना कि लिन के मरने के बाद मैं उसकी सोल के साथ टीम अप कर लूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा। जिस पे वो उसे कहती है वो कब मरेगी ये कोई नहीं जानता, इसलिए फिलहाल तुम एक सोल हो और वो एक इंसान, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए क्योंकि मैं भी एक सोल हूँ। ये बात वो लिन को जाकर बताता है। इस पर लिन उसे कहती है तुम्हें देख नहीं रहा पिंक तुम्हें पसंद करती है। तभी लिन का बचपन का दोस्त वहाँ पर आ जाता है और वो उसे फ्लर्ट करने लगता है। शाओ ये देख एकदम जेलस होकर लिन से कहता है चलो यहाँ से। लिन कहती है रुक जाओ। वो बंदा लिन को खुद से ही बात करता देख एकदम डर गया था। तभी अचानक रेस्टोरेंट पे एक इविल स्पिरिट हमला कर देती है। इस स्पिरिट को उसी घोष्ट हटने भेजा था। शाओ उसे रोकता है और तब तक लिन वहाँ से भाग निकलती है। हमें पता चलता है घोष्ट हट लिविंग वर्ल्ड में लिन से ही बदला लेने आया है। पर आखिर लिन से क्यों? अचानक वहाँ आफ्टर लाइफ के गॉड्स आकर उस इविल स्पिरिट्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन घोष्ट हट उनसे कहकर जाता है कि वो अपना बदला लेने चल जाएगा। इसके बाद जो बड़े देवता थे वो लोग आफ्टर लाइफ में एक डिस्कशन करते हैं पिंक और शाओ के ऊपर, क्योंकि इन दोनों ने आफ्टर लाइफ और लिविंग वर्ल्ड के बीच जो नियम थे उन्हें तोड़ा है। एक गॉड ऑफ लव कभी इंसान से नहीं प्यार कर सकता। दोनों को तहखाने में बैनिश कर दिया जाता है जहाँ से उनका खुद से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। पिंक उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि गॉड्स को ये बात उसी ने बताई थी। शाओ कहता है कोई बात नहीं। तभी पिंक कहती है जब मैं जिंदा थी तब मेरी लाइफ में बहुत मुश्किलें थी पर मैंने तब भी एक ऐसे लड़के से प्यार किया जो मुझे चीट करा था, और आज मरने के बाद मेरी आत्मा ने भी एक ऐसे लड़के को चुना है जो मुझे कभी प्यार नहीं करने वाला। शाओ से पहले कुछ कहता वहाँ ड्वार्फ स्पिरिट्स आ जाते हैं जिन्हें भी बैनिश कर दिया गया था। उनकी प्यार वाली बातें सुन वो हंसने लगते हैं कि यहाँ पूरी जिंदगी सिंगल है और इस लड़के के नखरे देखो। फिर पिंक और शाओ ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार गिरकर वो थक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिन शाओ को घर पे और बार हर तरफ ढूंढ रही थी पर वो उसे नहीं मिलता। वो उसे ढूंढते हुए कुरुमी तक पहुँचती है। एडम देख पाते हैं उसकी डॉग कुरुमी मर चुकी थी। ये देख लिन खुद को संभाल नहीं पाती और रोने लगती है। तभी अचानक वहाँ घोस्ट हट और इविल स्पिरिट्स उस पर हमला कर देते हैं। लिन का वो लोग बहुत नुकसान पहुंचाते हैं एंड फाइनली अब उसे मारने वाले थे। तभी गॉड्स वहाँ पर आ जाते हैं और घोस्ट हट और गॉड्स के बीच फाइट होने लगती है। घोस्ट हट उन्हें आसानी से हरा दे रहा था। दूसरी तो हम देखते हैं शाओ और पिंक के पास अचानक ऊपर से एक रस्सी आती है। दोनों किसी तरह उस रस्सी की मदद से ऊपर आ जाते हैं एंड वहाँ पर वो रस्सी कुरुमी की आत्मा लेकर आई थी और शाओ उसे देख अपने गले लगा लेते हैं। ये सीन सच में बहुत ही प्यारा था। कुरुमी अपनी बाघ से शाओ को इशारा करती है कि लिन की जान खतरे में है। वो दोनों तुरंत लिविंग वर्ल्ड के लिए निकलते हैं। वहाँ पर लिन मरने की कगार पे थी। शाओ सामने देखता है तो घोष्ट हट गॉड्स को खत्म करा था। तभी शाओ एक हथियार से घोष्ट हट पर वार करता है। घोष्ट हट को बहुत नुकसान पहुंचता है पर वो मरता नहीं। तभी दोनों गॉड्स भी घोष्ट हट पर अपनी पूरी ताकत से वार करते हैं लेकिन तब तक घोष्ट हट नहीं मरेगा जब तक उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो जाती। एंड यहाँ पर हमें समझ आता है क्या कि शाओ क्यों इन सभी चीज़ों से जुड़ा था। दरअसल आज से करीबन 500 साल पहले जब घोष्ट हट एक लुटेरा था तब उसे एक लड़की पसंद थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लिन थी पिछले जन्म में, और उस समय घोष्ट हट की मौत लिन की वजह से ही हुई थी जिसका बदला लेने आज वो यहाँ पर आया था। उस जन्म में शाओ एक इंसेक्ट था और घोष्ट हट ने उस इंसेक्ट की जान बचाई थी और उस इंसेक्ट को अपने जीवन में 5-7 दिन जीने का मौका भी दिया था। यानी उस लुटेरे ने सिर्फ बुरा काम नहीं किया था। और तभी हम देखते हैं ये बात शाओ जमीन पे सिर रखकर चिल्ला चिल्लाकर रिपीट करने लगता है ताकि गॉड ऑफ डेथ यमा इसे सुन सके एंड आखिरकार इससे घोष्ट हट की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। हमें यहाँ पर एक बात समझ आती है कि घोष्ट हट सालों से दो रियाल्म्स के बीच भटक रहा था। एक था लिविंग वर्ल्ड रियाल्म और दूसरा था आफ्टर लाइफ रियाल्म। उसे ना रीइंकार्नेशन मिला ना ही ग्रेट बियॉन्ड। आखिरकार शाओ ही उसकी आत्मा को मुक्ति दिला देता है।
अब इसके तुरंत बाद शव लिन के पास जाता है, लेकिन वहां पर लिन अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। शव ये एकदम टूट जाता है, क्योंकि अगर लिन यहाँ पर मरी तो वो सोल नहीं बन पाएगी, बल्कि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसे घोस्ट हेड ने मारा था। इसलिए वहां पर शव अपनी ट्रेनिंग को याद कर अपने दिल से एक येलो धागा निकालता है और उस धागे का एक छोर पिंक को देकर कहता है, इसे एक सर्कल कंप्लीट करो प्लीज। और उस धागे का दूसरा छोर वो लिन के ऊपर रखता है। इस धागे के बदौलत लिन तो बचाएगी, लेकिन शव मारा जाएगा, क्योंकि येलो धागा एक आत्मा से जीवन लेकर दूसरे आत्मा को दे सकता था। शव मरने से पहले लिन को देख सिर्फ अपने चाइल्डहुड डेज को याद करा था, उस इनोसेंट बॉन्डिंग को, उस प्यार को जो उसे शायद वापस कभी नहीं मिलेगा। पिंक भागते हुए बस रोई जा रही थी, वो शव को खोना नहीं चाहती थी। अचानक उसके सामने एक साइकिल आ जाती है और उसे एक स्नेल दिखता है। वो रियलाइज़ करती है कि सर्कल कंप्लीट हो चुका है। वो साइकिल आगे बढ़ती है और तभी लिन के सारे चोट ठीक हो जाते हैं, लेकिन शव की आत्मा रोशनी में बदल कर गायब हो जाती है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ शव लिन से कहते हैं, अगर एक सेकंड के लिए भी तुमने मुझसे प्यार कर लिया तो वही मेरे लिए बहुत है। लिन कहती है, एक सेकंड से क्या होगा। अशव मरने से पहले लिन से कहते हैं, एक सेकंड का साथ भी बहुत होता है। अब हम गॉड ऑफ डेथ यमा को देखते हैं और वो शव की आत्मा जो आसमान में मिल चुकी थी उसे देख रहे थे। हमें समझ आता है शायद अगले किसी जन्म में वो लिन साथ हो पाएंगे। तभी एक डायलॉग भी बोला जाता है, कुछ चीजें 10,000 साल से भी ज्यादा लास्ट करती हैं। गॉड यमा को आखिरी सीन में हम क्रूमी के साथ देखते हैं इस दुनिया को देखते हुए, और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। तभी पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं पिंक रीइंकार्नेशन के लिए चली जाती है, एंड वहीं दूसरी तरफ लिविंग वर्ल्ड में लिन अपने दोस्त के साथ एक टर्टल का इलाज करी थी और पीछे दो छोटे बच्चे बैठे हुए थे, दोनों एक दूसरे को चढ़ा रहे थे, जिस पर वो लड़का कहता है, कुछ चीजें 10,000 साल से भी ज्यादा लाश करती हैं। ये सुन लिन खुशी से पीछे मुड़कर देखती है और तभी हमें उन दोनों के बीच उसी धागे को दिखाया जाता है जो इशारा था पिंक और शव का रीइंकार्नेशन हो चुका है। और यहाँ ये पूरी फिल्म खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।